Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony LIV ऐप डाउनलोड करें. Sony LIV. We live to entertain. एक मिनट प्लीज नीचे रखिए नीचे रखिए आरती नीचे रखिए प्लीज रखिए नीचे आरती ये सब क्या हो रहा है सब हम आपको बाद में बता देंगे देखिए इस तरह से मेरे पति का अपमान नहीं कर सकते वैसे आप लोग हो कौन देखिए हम लोग CID से हमने तो नहीं बुलाया आप लोगों को हम तो खुद ही चले आते नीतु जी आप इस लाश का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते ये क्या कह रहे हैं आप एक तो मेरे पति की मौत होगी और हम लोग यहाँ पे यही जानने के लिए आए हैं कि इनकी मौत हुई कैसे हमें रिपोर्ट मिली है कि इनका खून किया गया है खून हाँ खून अब ये लाश शमशान घाट नहीं सीधे फोरेंसिक लैब में जाएगी इसका पोस्टमार्टम होगा पोस्टमार्टम देखिए आकाश ने आत्महत्या की है और आपको किसने कह दिया कि इनका खून हुआ है अभी बस मिल जाएगा सचिन सर झूठ बोल रहे हैं आकाश भैया आत्महत्या नहीं कर सकते उनका खून हुआ है खून अदिति तुम हाँ मैं ही लेकर आई हूँ CID वालों को मगर क्यों शायद तुमने ही मेरे भैया का खून किया है क्या बकवास कर रही हो मैं भला अपने पति का खून कैसे कर सकती हूँ ये तो CID वाले ही पता करेंगे देखिए सर अब इसके बात पर यकीन मत कीजिए इसे तो कुछ भी नहीं पता इन्होंने हमें बताया कि आज सुबह ही इन्होंने इनके साथ मतलब आपके पति के साथ इनके भाई के साथ आकाश के साथ फोन पर बात की और फोन पर बड़े खुश नजर आ रहे थे वो कह रही है कि इन्हें कोई वजह ही नहीं थी आत्महत्या करने के लिए और तो और सर भैया ने आज मुझे मिलने के लिए भी बुलाया था आज घर पे अगर भैया को आत्महत्या ही करनी होती तो वो मुझे घर पे क्यों बुलाते जब आकाश का खून हुआ तब आप कहाँ थे फिर वही बात आकाश का खून नहीं हुआ है उन्होंने आत्महत्या की है चलिए आत्महत्या ही सही कहाँ थी आप जब इन्होंने आत्महत्या की वो बात ये है कि आज सुबह क्या हुआ था आज सुबह आज सुबह मेरे और आकाश के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था रोज रोज एक ही बात हर रोज इसलिए आकाश कि तुम मुझे मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते इसलिए बस अब कुछ नहीं सुनूंगा मैं एक शब्द भी और कहा तो मेरा हाथ उठ जाएगा अच्छा अब तुम मुझ पर हाथ उठाओगे मारो मुझे मारो मैंने कभी नहीं सोचा था आकाश कि तुम मुझ पर हाथ उठाने की बात भी सोचोगे पति से कैसे बात करते हैं तुम्हें सिखाना पड़ेगा घर वालों ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई देखो आकाश तुम मुझे कुछ भी कह लो पर मेरे घर वालों को इस मामले के बीच में मत लाओ लूंगा 50 बार लूंगा क्या कर लोगी मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी तो जाओ ना रोका किसने अच्छा मुसीबत टलेगी मुसीबत अब मैं मुसीबत बन गई हूँ अच्छा ठीक है मैंने तुम जैसे इंसान से शादी क्यों की कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें इतने साल हो गए शादी को और फिर भी ऐसी इंसान बीवी तो इनके लिए पैरों की जूती होती है ऐसा मत बोलिए मैम साहब मैं अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता हूँ तुम अपनी बीवी को गोद में बिठा के रखो तुम्हें किसने बोला बीच में बोलने को सॉरी मैम साहब आपकी तकलीफ देख के ही बोला आकाश अब क्यों फोन कर रहा है क्या है डार्लिंग मुझे माफ कर दो प्लीज पता नहीं गुस्से में आके मैं क्या क्या बोल गया नहीं आकाश अब मैं घर वापस नहीं आ सकती पैसे भी अब सब खत्म हो चुका है मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर भेज दूंगी डिवोर्स ये क्या कह रही हो तुम नीतू आई लव यू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता देखो अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा तो दे दो अपनी जान
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।